पास्ता। इजी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले देखिए हमने एक चम्मच ऑयल पानी में डाल दिया है और हम ये पानी को बॉयल आने देंगे। अब इसमें हम जो है हमारा पानी जैसे ही गर्म होने लगता है हम इसमें जो है पास्ता वो ऐड करेंगे। पानी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें जो है ये पास्ता ये ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको हम पकने देंगे। जैसे देखिए पास्ता हमारा परफेक्टली डन, बहुत ही अच्छे से हो चुका है, पक चुका है ये। अब हम इसका पानी रिमूव कर लेंगे पास्ते में से। ऐसे रिमूव कर लिया है पानी को इसमें से। दो चम्मच हमने घी डाल दिया है, वो मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो है सबसे पहले डालेंगे जो लहसुन हमने इस तरह से क्रश करके रखा है, इसे ये हमने डाल दिया है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन ले लिया है। गार्लिक अच्छी तरह से इसे हम देखिए मैं इसमें अच्छे से लहसुन हमारा अच्छी तरह से देखिए होने लगा है हमने इसे। अब हमने डालना है इसमें, हमने देखिए चिकन को इस तरह से चना बोटी की साइज में कट कर लिया था, इस तरह से हमने चिकन ले लिया है। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ये जो है पास्ता जो बनता है, चिकन का चीज़ी पास्ता इस तरह से हम बनाते हैं। इस तरह से आप बनाएं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा आपको भी। अच्छी तरह से देखिए हमने इसे घी के साथ में लहसुन के साथ में हमने अच्छी तरह से चिकन को इस तरह से फ्राई करना है। अच्छी तरह से देखिए हमने एकदम चना बोटी की थी उसकी चिकन की, ताकि वो अच्छी तरह से इस तरह से पक जाए और गल जाए। देखिए अच्छी तरह से हो रहा है ये। 1 टेबल स्पून हमने इसमें देखिए काली मिर्च कूटी हुई ये भी डाल दी है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। इस तरह से देखिए काली मिर्च भी हमने डाल दी है। अब हम इसमें जो है हमारे स्प्रिंग देखिए नहीं हम डालेंगे इसमें कैप्सिकम डालेंगे, कैरेट डालेंगे। अच्छी तरह से इसे हम इस तरह से कैप्सिकम और कैरेट हमने डाल दिया है। अच्छी तरह से हम देखिए इसे इस तरह से सब चिकन के साथ में पका रहे हैं। बस 2 मिनट हमें इस तरह से करना है। चिकन भी हमारी देखिए बिल्कुल अच्छे से हो चुकी है, परफेक्टली डन, बहुत जल्दी बन जाता है ये। नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें। इस तरह से हमने डाला है नमक अच्छे से हम बिल्कुल देखिए। अब हम इसमें जो है बॉयल एग्स हमने करके रखे थे ये भी हमने अच्छी तरह से ग्रेट करके रखे हैं, ये भी ऐड कर लिए हैं हमने इसमें। अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। चीज़ हमने देखिए ये चीज़ है ये हमने ऐड कर लिया है, अच्छे से सबको हम मिक्स कर लेंगे चीज़ के साथ में इस तरह से। पास्तास अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं, अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। पास्ता हमने ऐड कर लिया है अच्छे से, हम देखिए सबको अच्छे तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें मायोनीज डालेंगे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इससे। हम इस तरह से बनाते हैं देखिए, सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्लो फ्लेम पे करेंगे फ्रेंड्स, फास्ट फ्लेम नहीं करेंगे हम गैस का। अब हमने इसमें देखिए एक बड़ा चम्मच हमने टमाटो केचप ये भी डाला है, अच्छे से हम सबको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से। और थोड़े हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और हम इसमें डालेंगे थोड़े पास्ले, अगर आपके पास पास्ता नहीं है तो आप कोथमीर भी डाल सकते हो। थोड़ा हम इसमें डालेंगे ओरिगैनो का, ये भी हम डालेंगे इस तरह से ओरिगैनो, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। इस तरह से अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे हमने इस तरह से देखिए ये चीज़ जो है ये भी हमने डाल दी है अच्छे तरह से हमने। अब इसमें डाल देंगे हम अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी यम्मी बनता है ये चिकन चीज़ी पास्ता हमारा, बेहतरीन देखिए ज़बरदस्त हमारा जो है चीज़ी चिकन पास्ता बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चिकन चीज़ी पास्ता बनके देखिए बिल्कुल हमारा तैयार है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।